बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल सलाम योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। द फर्स्ट वन दैट इज बाय बॉइलिंग द टेम्पररी हार्ड वाटर। मीन्स हाउ यू विल रिमूव फॉर टेम्पररी हार्डनेस। सो द फर्स्ट मेथड विच इज़ यूज दैट इज़ बाय बॉइलिंग। सिंपल बॉइलिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है, उसमें जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होता है जो फ्रीली मूव करता है, उसको हम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जिस वाटर में होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उस वाटर को हम कहेंगे टेम्पररी हार्ड वाटर। और इसकी जब बॉइलिंग होगी, ठीक है, तो जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होता है जो फ्री होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन फ्री होता है, वो कार्बोनेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। इसको हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटिंग स्केल्स होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, और साथ ये जो वाटर हमारे पास है ये सॉफ्ट वाटर है। क्लियर हो गया, ये कौन सा वाटर है, सॉफ्ट वाटर है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड, और लार्ज स्केल पर ये मेथड हम अप्लाई करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट CO2 एंड H2O। क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड, ये इनसॉल्युबल होता है और ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। सेकेंड मेथड दैट इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, क्लार्क्स मेथड में कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ड लाइम हम यूज करते हैं। स्लेक लाइम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, स्लेक्ड लाइम। एक होता है क्विक लाइम CaO, और एक होता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो कैल्शियम आयन फ्री होता है, मैग्नीशियम आयन जो हार्डनेस का सबब बनता है, जो टेम्पररी हार्डनेस का सबब बनता है, वो कार्बोनेट की फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं PPT, प्रिसिपिटेट, उसकी फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, पहले कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है, फ्री होता है, फ्रीली मूव करता है वाटर के अंदर, जो टेम्पररी हार्डनेस का काज बनता है। लेकिन फिर क्लार्क्स मेथड में जब हम ऐड करते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट PPT की फॉर्म में, प्रिसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट रिमूवल मेथड्स ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। फर्स्ट वन था बाय बॉइलिंग, सेकेंड था क्लार्क्स मेथड। नेक्स्ट आता है मेथड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। यू नो डियर स्टूडेंट्स दैट परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वही कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हमें मिलते हैं, लेकिन कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होता है, सोर्स डिफरेंट होता है, ठीक है। वही कैल्शियम मैग्नीशियम आयन टेम्पररी हार्डनेस भी काज करता है, परमानेंट हार्डनेस भी काज करता है, लेकिन कंपाउंड जो है टेम्पररी हार्डनेस के लिए डिफरेंट है और परमानेंट के लिए डिफरेंट है। सो फर्स्ट मेथड दैट इज़ बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होता है, इसको हम कहते हैं दुबी सोडा भी, जिसका फार्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। एक हमारे पास बेकिंग सोडा बेटा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। और इसको हम क्या कहते हैं, दूबी सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। ये हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, यानी जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये कंपाउंड्स डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होता है। तो दोबारा जो हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड, ई बी आयन्स की फॉर्म में मौजूद है, सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड आयन, सोडियम आयन सल्फेट आयन। ये टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस काज नहीं करता,
जो काज करता था, जो कॉजेटिव एजेंट्स थे, जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन थे, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो वो इस फॉर्म में बैठ जाते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हम परमानेंट हार्ड डिस्क को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे पास सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स होता है, ये सॉल्युबल फॉर्म, एक यू का मतलब है कि वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन सल्फेट आयन, कैल्शियम आयन सल्फेट आयन, और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होता है जो परमानेंट हार्डनेस कास करता है, वो फ्रीली मूव करता है वाटर के अंदर। अब जब ये केमिकली कंबाइन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, तो वही कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो कॉजेटिव एजेंट्स है परमानेंट हार्डनेस का, वो कार्बोनेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड वी गेट सॉफ्ट वाटर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, इसमें हम जियोलाइट यूज़ करते हैं, सोडियम जियोलाइट। ये क्या होता है, ये मिनरल है, नेचुरली अकरेंसेस की होती हैं, ठीक है, और इसका फार्मूला नीचे दिया गया, हियर यू कैन सी, ये सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है सोडियम जियोलाइट। इसके कॉलम्स बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा, और ट्रीट किया जाता है जो कंपाउंड्स और रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस के लिए, लाइक कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके साथ ट्रीट किया जाता है। तो हियर यू कैन सी, चूंकि फार्मूला बहुत लेंथी होता है, तो हम सिंपली इधर लिखते हैं सोडियम जियोलाइट, इधर आप देख सकते हैं सोडियम जियोलाइट, ठीक है। तो कैल्शियम जो सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है, कैल्शियम सल्फेट जो सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कैल्शियम जियोलाइट की फॉर्म में बैठ जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जियोलाइट, ये भी इनसॉल्युबल फॉर्म है, इस फॉर्म में बैठ जाता है, और साथ सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये भी आयंस की फॉर्म में, सोडियम आयन सल्फेट आयन, सोडियम आयन सल्फेट आयन, लेकिन जो इनसॉल्युबल फॉर्म है कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट, वो हमारे पास आ जाता है। और जो सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यानी कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन जो रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस के लिए, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर नीचे बैठ जाता है और हार्डनेस ख़त्म हो जाता है, वी गेट सॉफ्ट वाटर। क्लियर हो गया बेटा। अब सोडियम जियोलाइट हम दोबारा हासिल कर सकते हैं कब, जब हम इनके साथ क्या करें, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम क्या करें, ट्रीट करें, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, वो हम ट्रीट करें, तो वी गेट अगेन सोडियम जियोलाइट। या आपके पास कैल्शियम जियोलाइट इधर बना है, यू कैन सी कैल्शियम जियोलाइट, या मैग्नीशियम जियोलाइट भी ले सकते हैं, और दोबारा इसका इसके साथ हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हियर यू कैन सी हमारे पास दोबारा जाता है सोडियम जियोलाइट और साथ कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम जियोलाइट हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, इधर हियर यू कैन सी हमने स्टार्ट में यूज़ किया था, हम दोबारा हासिल कर सकते हैं सोडियम जियोलाइट। किस तरह के, जो हमारे पास इनसॉल्युबल फॉर्म आ रहे थे, इनसॉल्युबल फॉर्म मैग्नीशियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट का, आप इधर मैग्नीशियम जियोलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम जियोलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, सोडियम जियोलाइट के साथ मिल जाएगा, सोडियम जियोलाइट बनेगा और साथ क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम जियोलाइट का फार्मूला इधर दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2- जियोलाइट लिखा है और इधर Na2- जियोलाइट लिखा है, हमारे पास क्या है, सोडियम जियोलाइट है। क्लियर हो गया। तो इट वाज ऑल अबाउट रिमूवल मेथड फॉर परमानेंट हार्डनेस, द फर्स्ट वन दैट वाज बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, एंड द सेकेंड मेथड दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। ये दो मेथड्स हैं जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह टेम्प्रेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है, और सेकंड मेथड था दैट वाज क्लार्क्स मेथड्स। क्लार्क्स मेथड में हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, और बॉयलिंग में सिंपल हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को क्या करते हैं बेटा, बॉयल करते हैं, सिंपल बॉयलिंग है, और उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस के लिए, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कार्बोनेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, एंड वी गेट सॉफ्ट वाटर। सो इट वाज ऑल अबाउट रिमूवल मेथड्स फॉर टेम्प्रेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। क्लियर हो गया बेटा, थैंक यू।